Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting from Coordination, the Essence of Management. अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके वो देख लें बिकॉज ये चैप्टर के मिडिल में से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. You have understood by now that a manager has to perform five interrelated functions in the process of managing an organization, which is a system made up of different interlinked and interdependent subsystems. अब हमने अभी तक ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट पांच अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना हुआ है और ये फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं, कनेक्टेड भी होते हैं. अ मैनेजर हैज़ टू लिंक दीज डाइवर्स ग्रुप्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल. अब ये जितने भी अलग अलग आपके प्रोसेसेस थी, जैसे प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, तो इन सब के गोल्स को एक मैनेजर को डायरेक्ट करना होता है टूवर्ड्स देयर कॉमन ग्रुप गोल. द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जिस तरीके से एक मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, अरेंज करता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हिंदी में बोलूँ तो तालमेल अगर आपका अच्छा है, तो आपके सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो एक साथ वर्क करना उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा. इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके बिजनेस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपकी प्लानिंग का और परचेजिंग, मतलब हर एक डिपार्टमेंट इक्वली अच्छे से काम कर पाएगा और किसी में भी कोई रुकावट नहीं आएगी. कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब कभी कभी हम कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का अलग से एक सेपरेट फंक्शन भी मानते हैं. इट इज़ हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट for achieving harmony among individuals, efforts towards the accomplishment of group goals. लेकिन ये एक्चुअल में कोई अलग फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का एसेंस है, मतलब मेन चीज़ ही यही है. अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा तो आपका बिजनेस इतना अच्छे से सक्सेसफुली रन नहीं हो पाता है. ईच मैनेजेरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में ही ये सारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी. हर एक एक्सरसाइज, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की एक एक एक्टिविटीज़ किस तरीके से कंडक्ट होगी, कब होगी, ये सारी चीज़ें हमारी कोऑर्डिनेशन के अंदर ही एक्सरसाइज होती हैं. कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब हम बोलें कि कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट में तो ज़रूरी है और दूसरे में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है. कोऑर्डिनेशन हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. अब चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, ये कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट का इंटरनल पार्ट होता है. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. अब आपको कोऑर्डिनेशन के लिए वेट नहीं करना है कि हम स्टार्ट करेंगे. जैसे आपने प्लान बनाना स्टार्ट करा है, उसी टाइम से यू हैव टू स्टार्ट योर कोऑर्डिनेशन एज वेल. टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अब जो टॉप मैनेजमेंट है, हमने पढ़ा था, वो प्लान्स बनाते हैं फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड. अब जैसे प्लान्स बनाए उसके अकॉर्डिंग कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो तरीके से हम लोगों ने लोगों को स्टाफिंग कर ली हमारी पूरी प्रोसेस. In order to ensure that these activities are executed according to plans, directing is required. अब जो plans बनाया है, activity उसी के according हो रही है, उसको check करने के लिए हमें directing की ज़रूरत होती है. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care at the stage of controlling. अब directing में तो सिर्फ आप ध्यान रख रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लिख रहे हो. अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान करा था एक्चुअल में और जो रियलाइज, जो एक्चुअली हो रहा है अभी, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को
सॉल्व करने का काम हमारा कंट्रोलिंग करता है. कंट्रोल मतलब उस चीज़ को रोकना. अगर आपका डिफरेंस आता जा रहा है तो उस चीज़ को ख़त्म करना ही कंट्रोलिंग का काम होता है. इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट अ मैनेजर इंश्योर्स द ऑर्डरली मैनेज अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. अब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. कोऑर्डिनेशन की मदद से क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं हम उनको एक डायरेक्शन दे देते हैं ताकि उन सारा जो वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए. एक ग्रुप गोल को अचीव करने में उनकी मेहनत लग जाए. कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन एट द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन इज स्टेप बाय स्टेप. अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो दोनों इंडिविजुअली अपने अपने टास्क करेंगे और हो सकता है इससे एक दूसरे को भी हार्म हो जाए. दिस प्रोवाइड्स द रिक्वेस्ट अमाउंट क्वालिटी टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स विच इंश्योर्स दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट. आपने जो प्लान किया है आपको वो अचीव भी करना है और अगर आप कंट्रोलिंग करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, काम टाइम से होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और सीक्वेंस से सारा काम हो जाएगा. सीक्वेंस मतलब लाइन बाय लाइन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. द डेफिनेशन गिवन अबव हाईलाइट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हम पढ़ेंगे. नंबर वन इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. Coordination unifies unrelated or diverse interests into purposeful work activity. जो अलग अलग इंसान काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको यूनाइट करना, एक ग्रुप में क्रिएट कर कर और एक ही डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स को मूव करने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है. इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वॉज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड. लोग भटक जाते हैं कभी कभी अपने गोल से. बार बार कंट्रोलिंग उनको ये बताती है कि आपका गोल क्या है और आपने क्या प्लान करा था स्टार्टिंग में और आपको उसी तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करना है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी होती है एकता. अब यहाँ किसकी यूनिटी देनी है हमको, एक्शन की. आप जो काम कर रहे हो उसकी यूनिटी दिखानी है आपको. द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस. अगर आपने कोई पर्पस सेट करा है, कोई गोल सेट करा है तो सारा जो आप काम कर रहे हो, जितने भी एक्शंस आप ले रहे हो वो सब उस गोल को पूरा करने के लिए ही होना चाहिए. इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हर एक डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखने का काम करता है और ये चेक करता है कि जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है या फिर जो डिसीजंस ले रहा है उसका लास्ट में हमारे ग्रुप गोल्स को फुलफिल करने के लिए फेवर में चीज़ जा रही है या वो उसके फेवर में नहीं जा रही है, ये वो चेक करता रहता है. एट नामची डिज़ाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. अब सेल्स जितनी होंगी उसी से आपको पता लगेगा कि आपकी डिमांड कितनी है. फिर वो डिपार्टमेंट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाकर बताओगे, जितनी डिमांड आई है वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताओगे और वो फिर उसी अकॉर्डिंग कैंडल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे. तो ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया. अगर इसकी जगह अगर ये कंट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता, मैं सेल्स डिपार्टमेंट की क्यों सुनूंगा, मुझे तो जितनी मर्जी आएगी मैं उतना प्रोड्यूस करूँगा. हो सकता है कि वो डिमांड से कम प्रोड्यूस करे, डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे. तो ये जो आपस में हम लोग लड़ाई कर लेते हैं इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. नंबर थ्री पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे हमने बाकी के चीज़ों के बारे में बताया था और डायरेक्टिंग हो गया या फिर कंट्रोलिंग हो गया,
तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा नहीं बोल सकते कि अब ख़त्म हो गई, ये चलती ही रहती हैं। कंटिन्यूसली हम लोगों को कोऑर्डिनेट ही करना होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। अब ये जो आपने आपका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करा है एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, कब तक चलता रहेगा? कंट्रोलिंग, जो लास्ट हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है, वहाँ तक भी आपका ये कोऑर्डिनेशन चलता ही रहेगा। स्मिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। शी हैज़ टू देन इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। जून में ही हमारी स्मिता ने पूरा प्लान बना लिया था कि उसको दिवाली के लिए क्या क्या बनाना है। फिर उसने ये भी पता लगा लिया था कितने लोग उसे चाहिए और कंटिन्यूसली उसके काम को मॉनिटर भी करना है। मॉनिटर मतलब उसको देखना है कंटिन्यू काम को, जिससे कि आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे वो डिफरेंस ना हो जाए। जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअल है उसमें डिफरेंस ना आ जाए, इसके लिए उसे कंटिन्यू उस पर नज़र रखनी होती है प्रोडक्शन पे। हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी ब्रीफ्ड इन टाइम टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अब जितना एक प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट होता है आज के टाइम पर, एडवर्टाइजमेंट्स या मैं बोलूँ मार्केटिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो कब मार्केटिंग करनी है, किस तरह के मार्केटिंग प्लान्स होने चाहिए, प्रमोशनल इवेंट्स होने चाहिए, ये सब भी स्मिता को ही प्लान करने होते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब होता है जो कि हर जगह रिक्वायर्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन भी ऐसा ही है, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है कि यहाँ पर तो ये अप्लाई हो रहा है और दूसरी जगह अप्लाई ना हो। इट इज़ अप्लाइड टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। अब ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर इम्पॉर्टेंट होता है और ये हर एक डिपार्टमेंट को मोटिवेट करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंटल एफर्ट्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय स्मिता फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हारमोनियसली। अब यहाँ पर वापस से हमारी स्मिता का ये एग्जाम्पल आ गया है कि अगर उसको उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो उसे अपने परचेज प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द परचेज डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग फैब्रिक। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, फैब्रिक को लेकर आना। This then becomes the basis of the activities of the production department, and finally sales can take place. अब जब production department product बनाकर देगा, उसी के बाद हमारा sales department का काम start हो जाता है उन product को बेचने के लिए। If fabric purchased is of an inferior quality or is not according to the specifications of the production department, फर्दर सेल्स विल ऑल्सो डिक्लाइन। अब बाई चांस ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जिस क्वालिटी का फैब्रिक मांगा था, अगर उसे उस क्वालिटी का फैब्रिक नहीं मिला, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन्फीरियर क्वालिटी का बनेगा, सस्ती और चीप क्वालिटी का बनेगा। इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे तो हुआ, इसका इम्पैक्ट आपको सेल्स डिपार्टमेंट पर दिखेगा, उसकी डिमांड कम होती जाएगी मार्केट में। In the absence of coordination, there is overlapping and chaos instead of harmony and integration of activities. अगर आपका coordination present नहीं होगा तो departments के बीच में लड़ाइयाँ होगी और काम easily आराम से नहीं हो पाएगा। Coordination is the responsibility of all managers. Coordination is the function of every manager in the organization. Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. Ab coordination ke liye sare managers equally responsible hote hain. Jo top level managers hain unko unke subordinates ke sath coordinate karke chalna hai. Kya coordinate karke chalna hai ki jo humne aapko plan bana kar diya tha,
क्या आपने उसको उसी तरीके से फॉलो करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। उसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था इसके पीछे वाले वीडियो में, उसमें टॉप लेवल के बाद आया था मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल का काम होता है टॉप वाले से भी कम्युनिकेट करना और अपने फर्स्ट लाइन मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट करके चलना। फिर आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर्स टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब जो हमारे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टली फील्ड पर उतरते हैं, इनका काम होता है कि जो वर्कर्स हो रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो हमारे प्लान्स को अचीव करने के डायरेक्शन में तो जा रहा है। बिकॉज कई बार आपका वर्क तो हो रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। बहुत लाइट तरीके से आपको लोगों को ट्रीट करना होता है, क्योंकि आप सामानों को और इनको तो जल्दी जल्दी और जैसा आप चाहें वैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पर इंसानों के साथ आप इतना फोर्सफुली ट्रीट नहीं कर सकते हो। इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। विलिंगली का मतलब होता है जब वो खुद से आकर आगे आकर आपका कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना चाहते हैं। वो अगर खुद से चाहते हैं कि काम टाइमली कंप्लीट हो, अच्छे से कंप्लीट हो, तो शायद आपका काम ज़्यादा बेटर होगा। और एक विलिंग स्पिरिट, एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट, एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। लाइन कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। कोऑपरेशन होता है जब लोग, मैं अगर आपसे कह रही हूँ ये काम कर लो, कोऑपरेशन क्या होगा अगर आप चुपचाप वो काम कर रहे हो, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहे हो, तो हो गया कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन होता है ढंग से काम करवाना सामने वाले से। अब अगर आप कोऑपरेट ही नहीं करोगे, सामने वाले लोग जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकती। आप कोऑपरेट करोगे तभी मैं आपको कोऑर्डिनेट भी कर सकती हूँ। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है एंड पर जो ख़त्म हो रहा है, कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लोग कोऑपरेट करने को तो रेडी हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है उनके बीच में, तो एफर्ट्स तो वो लोग लगा रहे हैं लेकिन वो वेस्ट में जा रहे हैं। फिर एंड के बाद वाला देखो, कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन। अब कोऑर्डिनेशन करने वाला तो है लेकिन लोग ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइड, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा ऐसे इन्वायरमेंट में। तो दोनों ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन भी कोऑपरेशन भी। Coordination, therefore, is not a separate function of management, but its very essence. For an organization to effectively and efficiently achieve its objectives, coordination is required. Like a thread in a garland, coordination is a part of all management functions. अब coordination आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये हर department में present होता है। ये आप एक यूँ समझो खाने में नमक की तरह होता है, दिखेगा नहीं लेकिन बिल्कुल घुल जाता है। इसके बिना अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगे, सारे फंक्शंस वेस्ट हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन सबको साथ में लेकर चलता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे लोगों के काम को इंटीग्रेट करता है, एक डायरेक्शन में लेकर जाता है। The primary reason for coordination is that departments and individuals in the organization are interdependent, that is, they depend on each other for information and resources to perform their respective activities. कोई भी इंसान एक organization में independent काम नहीं करता है, हम लोग किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पर depend ही होते हैं. Thus, managers need to reconcile differences in approach
टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट. अब अगर बाय चांस किसी दो इंसानों के बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहा है, कोई पॉइंट्स उनके मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये मैनेजर का काम है उन दोनों को सॉल्व करवाना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एट द एंड आपको एक दूसरे पर डिपेंड होकर ही चलना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के लिए पैसा कितना है, उसी के बाद वो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाएगा, रॉ मटेरियल्स खरीद पाएगा. लेकिन अब प्रोडक्शन वाले मैनेजर की और फाइनेंस वाले मैनेजर की तो लड़ाई चल रही है, तो अब ये तो डायरेक्ट बात करेंगे नहीं. बात नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिगड़ता हुआ दिखेगा. इसी टाइम पर मैनेजर्स की ज़रूरत होती है कि दोनों फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर को बिठा कर बात करो, उनका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व कराओ, सो दैट वापस से काम स्मूथ वे में ही चल जाए. At the same time, there is a need to harmonize individual goals and organizational goals. ये लाइन हम लोग स्टार्टिंग से इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं. जो इंडिविजुअल्स गोल होते हैं, हमें उनको इकट्ठा करके ग्रुप गोल्स के डायरेक्शन में लेकर जाना है, जिससे कि इंडिविजुअल गोल्स भी फुलफिल हो जाए एंड एट द सेम टाइम हमारा ग्रुप का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. ग्रोथ इन साइज. As organizations grow in size, the number of people employed by the organization also increases. जैसे जैसे एक organization grow करती है, बड़ी होती जाती है, उसमें ज़्यादा लोग काम करने आते हैं. At times it may become difficult to integrate their efforts and activities. कम लोगों में तो आप easily coordinate कर लोगे, लेकिन ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा difficult हो जाता है इतने लोगों के efforts को group goals की तरफ लेकर जाना. All individuals differ in their habits of work, background, approaches to situations and relationships with others. अब सारे individuals के habits अलग होती हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, तो उन सबको समझना और फिर एक दूसरे के साथ combine करके उन लोगों को group goals achieve करना बहुत मुश्किल का काम है. दिखने में और पढ़ने में कितना easy लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा difficult काम होता है. It becomes necessary to ensure that all individuals work towards the common goals of the organization. हमें क्या ध्यान रखना है कि सारे individuals जो भी काम कर रहे हैं वो group goals को achieve करने के लिए ही काम कर रहे हैं. But employees may have their own individual goals. Therefore, for an organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. अब वापस से वही आ गई, आपको ग्रुप गोल अचीव तो करने हैं, लेकिन अगर पर्सनल गोल्स भी हैं तो आपको पर्सनल गोल अचीव करते जाने हैं और फिर ग्रुप गोल अचीव करना है. इसके बीच में भी क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन. आपको ग्रुप पर्सनल गोल्स को कोऑर्डिनेट करना है टुवर्ड्स योर ग्रुप गोल्स. इसका मतलब हर जगह कोऑर्डिनेशन तो ज़रूरी होती है, ये हमें यहाँ से पता लग गया है. फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. Functions of an organization are divided into departments, divisions and sections. अब सारा काम एक जना तो करता नहीं है, छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने उसको बांट दिया होता है. In an organization there may be separate departments of finance, production, marketing or human resource. अब हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं in any organization. All these departments may have their own objectives, policies and their own style of working. ये जो अलग अलग departments हैं, सबका काम करने का तरीका, उनके goals, उनकी policies अलग हो सकती हैं. अब एक example ले रहे हैं. The marketing department's objective may be to increase sales by 10% by offering discounts. अब marketing department ने क्या बोल दिया कि हमें तो increase करनी है sales और इसके लिए हम 10% का discount दे देंगे. But the finance department may not approve of such discounts as it means loss of revenue. अब sales के लिए तो अच्छा है कि 10% discount देने से उनकी sales बढ़ जाएगी, लेकिन इसी जगह finance department को loss हो रहा है कि अगर आप discount दोगे तो हमारे पास revenue कम आएगा, पैसा कम आएगा. These kinds of conflict arise in organization because each unit department is performing activities in isolation from others. And barriers between departments are becoming more rigid.
ऐसा इशू बार बार आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है वैसे, और फिर एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होते तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है आना. However, all departments and individuals are interdependent and they have to depend on each other for information to perform their activities. आपको काम तो खुद का करना है, उसके लिए तो आप अलग हो, लेकिन उस काम को करने के लिए जो information चाहिए उसके लिए तो आपको दूसरे department पर depend होने की ज़रूरत होती है. The activity of each department needs to be focused on attainment of common organizational goals. हर department की activities ग्रुप गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए. द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अकम्पलिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन. हमें क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को ग्रुप गोल्स के साथ जॉइन करना है, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन ही लगता है. थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. Specialization arises out of the complexities of modern technology and the diversities of tasks to be performed. जितने आज के टाइम पे डिफ़िकल्ट टास्क होते जा रहे हैं उतना ही स्पेशलाइजेशन की नीड आती जा रही है. स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एक फील्ड किसी एक टॉपिक के बारे में सामने वाला इंसान थरली उसको उसने लर्न कर रखा है, उसको वो चीज़ आती है. हमें ऐसे लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए जिससे कि एक पर्टिकुलर काम तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट. इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत हो जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग कामों के लिए स्पेशलिस्ट को रखने के लिए. स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट judge and decide according to their professional criteria. अब specialist की सोच क्या होती है कि उनको जो सिखाया गया है, जो उनका professional criteria है, उसी के according उनको चीज़ों को judge करना है और decide करना है. They do not take advice or suggestions from others in matters pertaining to their area of specialization. अब आज ये human nature होता है, अगर मैं किसी field में specialized हूँ और फिर कोई दूसरा मुझे सजेशन देने आ रहा है तो मैं उसको ध्यान नहीं दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ही इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तो अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं किसी और के ऊपर ध्यान क्यों दूंगी. और यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम स्पेशलाइज्ड को लेकर आ जाएंगे तो उसको लगेगा वो सबसे बेस्ट है, तो वो कभी भी बाकी लोगों को कोई भी एडवाइस अगर वो उसको देंगे तो वो कभी भी नहीं सुनेगा उन एडवाइसेस को. This often leads to conflict among different specialists as well as others in the organization. और इसी वजह से बहुत बार conflicts भी आते हैं. कभी कभी तो दो specialist अगर आप लेकर आ गए same चीज़ के लिए तो वो ही आपस में अपने point of view से लड़ाई करने बैठ जाएंगे. Therefore, some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest or opinion of the specialist. इस जगह भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक इंसान को कोऑर्डिनेशन लेकर आना पड़ेगा इन दोनों स्पेशलिस्ट के बीच में, जिसकी वजह से इनका जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर जो अलग अलग ये लोग अप्रोचेस दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ये लोग ढूंढ लें और उस कन्फ्लिक्ट को हटा दें. क्योंकि अगर दोनों स्पेशलिस्ट हैं तो गलत तो कोई भी नहीं बोल रहा होगा, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का तरीका अलग होता होगा. मैनेजमेंट इन द 21st century. Even as you read this chapter, the organization and its management are changing as boundaries between cultures and nations get blurred and new communication technology makes it possible to think of the world as a global village. The scope of international and intercultural relationships is rapidly expanding. The modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. अब अभी के टाइम पर ही आपको ये दिख चुका है चैप्टर में कि पहले जो हमारा एक पर्टिकुलर नेशन होता था, काम सिर्फ छोटे से जगह पर फैला होता था, अब के टाइम ऐसा नहीं है. आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम लोग पूरी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रोडक्ट्स लेकर भी आते हैं, परचेजिंग भी होती है. तो जब इतना बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है,
इतनी बड़ी हमारी बिजनेस हो चुकी है और ये अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी ये एक्सपैंड ही होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस जगह पर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, अच्छे से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस में लेकर आनी हैं जिससे ये आपका बिजनेस ग्रो करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब पूरे चैप्टर में मैंने ये जो बॉक्सेस हैं, केस स्टडीज़ हैं, ये आपको नहीं पढ़ाई हैं, तो इसके लिए इसका नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोग देखेंगे जिसमें स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर की केस स्टडीज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस वॉज योर चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। थैंक यू सो मच।